नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छा को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हाथ हमारे पास रीड होने के लिए आया है और काफ़ी ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं इनके कि मेरा आगे का फ्यूचर कैसा होगा, मेरा कैरियर वाइज कैसा होगा, कितना मैं पैसा कमाऊंगा, क्या मेरी उम्र रहेगी, कब मेरी शादी होगी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने जो आम लोगों की तरफ पूछे हैं। तो इनके हाथ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन के हाथ में बन रही है और इनकी पूरी लाइफ की हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या कुछ इनके जीवन में होगा। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमें मैसेज के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, हम इस हाथ को पढ़ते हैं और देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर्स से, उसके बाद हम पर्वतों की स्थिति को देखेंगे, सबसे आखिर में हम लाइन्स को देखेंगे और इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर अब हाथ की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। पहले तो आप देखें कि हाथ की स्ट्रक्चर जो है आइडियल नज़र आ रही है, मतलब ना ज़्यादा आपको बहुत बड़ा हाथ नज़र आएगा और बहुत ना ज़्यादा आपको बहुत कह सकते हैं कि छोटा हाथ नज़र आएगा, ठीक है। तो आइडियल हाथ है, हाथ पूरा से यहाँ पर जो है स्क्वायरिश बन रहा है और स्क्वायरिशपन है, ज़्यादा चौड़ापन नहीं दिखेगा आपको, लंबाई ज़्यादा दिखेगी। तो दिमागी मेहनत जो है आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और जो है कह सकते हैं कि अगर ऐसा हाथ होता है तो दिमागी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग ऐसे जातक की काफ़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि ऐसे जातक में गंभीरता काफ़ी अच्छी देखी गई है। अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि फिंगर्स की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं, ठीक है, आइडियल्स फिंगर्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर लेंथ की बात करें तो आपको दिखेगा कि सूर्य की फिंगर आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी गुरु से। तो व्यक्ति के अंदर जो है ऐसे गुण हैं, मतलब आर्टिस्टिक गुण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं, आर्टिस्टिक गुण काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसे जातक नेतृत्व करना की क्षमता रखता है, ठीक है। ऐसे जातक अच्छे कह सकते हैं कि नेतृत्व कारक देखे गए हैं, मतलब अगर मान लीजिए किसी जो जॉब में है, किसी प्रोफेशन में है, अपने बिजनेस में है, तो बहुत बहुत से लोग जो है इनके अंडर काम करेंगे और ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक तरह का राजा की भांति जीवन को ये जीते हैं। तो वही कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं कि गुरु की फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, लेकिन सूर्य से तो छोटी ही है, तो लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी कम रहने की उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं फिंगर्स की, शनि फिंगर्स की बात करूँ तो शनि फिंगर की लंबाई ठीक है, इसमें टिल्टेशन कोई आपको नज़र नहीं आएगी। तो पैसा जीवन में अच्छा खासा व्यक्ति कमाएंगे, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर मैं पोर्स की बात करूँ, सभी पोर्स की बात करूँ तो आपको दिखेगा कि पोर्स बहुत अच्छी जाना नहीं है। अगर आप फिंगर्स पे पोर्स की बात करें तो आपको दिखेगा पोर्स जो है कहीं कहीं आपको छोटे टूटते हुए नज़र आएंगे और कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा टूटते और कहीं ज़्यादा गहरी लाइन से भी नज़र आएंगी। तो ये बताता है कि व्यक्ति अगर किसी से हेल्प लेता है, किसी से हेल्प लेने जाता है, तो ऐसे में उसको कुछ ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है, मतलब सपोर्ट की तरफ से, मतलब सपोर्ट ज़्यादा अधिक लोगों का मिलना नहीं है। ये अगर खुद ये कुछ करना चाहें तो खुद ही करेंगे, दूसरों का सपोर्ट इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाला, क्योंकि आपको दिखेगा पोर्स भी ऐसे हैं और फिंगर्स पे आपको थोड़ी सी आड़ी लाइनें भी नज़र आएंगी, खड़ी लाइनें यहाँ पर बहुत सी कम हैं, आड़ी लाइनें भी आपको नज़र आ रही हैं, जो मैंने आपको बात ही कही, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें इनके बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस तक जो है अप्रॉक्स कह सकते हैं कि पहुंच रही है, लेकिन थोड़ा लाओ जो माउंट है थोड़ा सा आपको लो सेट होता हुआ नज़र आएगा, तो हल्का सा कॉन्फिडेंस की कमी आपको दिख रही है कि हल्का सा कॉन्फिडेंस जो है कम रह सकता है। अपनी बात को दूसरों के आगे रख पाने में थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब अपनी बात को दूसरों के आगे एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अगर अंगूठे की बात करें तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो अच्छा है, फर्स्ट पोर आपको कह सकते हैं कि सपने देखने वाला बनाता है, बड़ा कार्य करने की जो क्षमता है वो इस व्यक्ति में उत्पन्न होती है और आगे चलकर बड़े बड़े सपने व्यक्ति देखता है। जैसे अगर बड़ा फर्स्ट पोर आपका लंबा है, बड़ा है, तो आप विल पावर काफ़ी अच्छी है, आप किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर पाएंगे आगे वाले टाइम में। यहाँ पर यव का निशान बनने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन बहुत महीम है और दोनों तरफ से आपको खुला हुआ नज़र आएगा, तो ये तय है कि
विवाहिक जीवन में थोड़ी देरी आपको देखने को मिलेगी। और पैसे की बात करें तो धन आपके पास खूब आएगा, धन आपके पास आपके आने वाला है, ये तय है, लेकिन उसी फ्लो से धन आपका जाएगा भी, ये तय है। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं आगे पर्वतों की स्थिति की बात करूँ तो पर्वत क्या बता रहे हैं इनके बारे में, देखिए गुरु पर्वत ठीक है, गुरु पर्वत पर क्योंकि अच्छी लाइनें हैं तो गुरु पर्वत अगर छोटे भी हों तो इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपको बहुत सारी, देखिए अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पर, देखिए कुछ ऐसी रेखाएं आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी वल्ले की आकृति, ऐसी कुछ स्ट्रक्चरें आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं। जो ये साइंस होते हैं ये बताते हैं कि जातक काफ़ी सिंपथेटिक है, मतलब कह सकते हैं कि दूसरों का बुरा कभी सोच ही नहीं सकता ऐसा जातक, ठीक है, काफ़ी सिंपथेटिक है और जीवन में काफ़ी आशावादी ऐसे जातक होते हैं, काफ़ी लोग जो है आशावादी होते हैं और ऐसे जातक भगवान की आराधना करना, भगवान में लीन रहना या भगवान की पूजा वगैरह करना काफ़ी ही अच्छे मन से, काफ़ी सच्चे मन से करते हैं, ये यहाँ पर देखने को आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जातक काफ़ी ईमानदार होंगे आगे चलकर, और लोग अगर ऐसे देखिए जब ऐसी लाइन्स अगर गुरु पर्वत पे होती हैं तो लोग उनके अच्छे कार्यों की वजह से, अच्छे काम की वजह से जाने जाते हैं। ऐसे जातक किसी ट्रस्ट में पैसे दान करने की वजह से फेमस हो जाएं, या फिर कह सकते हैं किसी एनजीओ की वजह से फेमस हो जाएं, मतलब कोई ना कोई ऐसा जीवन में कार्य करते हैं जिसकी भांति दुनिया इनको याद रखती है, समाज इनको याद रखता है, ऐसी लाइन्स ये क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए कुछ प्रोग्रेस रेखाएँ आपकी चलती हुई नज़र आएंगी कि मस्ती रेखा जो उठ रही है, तो जीवन पर आपको तरक्की भी मिलेगी, इसमें कोई दोष ऐसा नहीं है। ठीक, गुरु पर्वत आइडियल है आपके, ये देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर शनि पर्वत की बात करूँ तो शनि पर्वत आपको फ्लैट है, ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है और भाग्य रेखा भी जो है बहुत महीम वे में है लेकिन पहुँच रही है। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा मौजूद है, ये अच्छी बात है कि शनि पर्वत पर भाग्य रेखाएं मौजूद हैं। अगर यहाँ पर कोई भाग्य रेखा आपको मौजूद ना दिखे तो भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है। यहाँ पर भाग्य रेखा का होना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आने वाले टाइम में, आपको बुढ़ापे में, और कह सकते हैं कि जब यहाँ पर जीवन यापन के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, उस समय इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इसमें इसके रिगार्डिंग कोई आपको दिक्कत फेस करने वाले में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत पर एक फ्लैट हो गए, फ्लैट है, और यहाँ पर देखिए सूर्य रेखाएँ आपको मौजूद होती हुई दिख रही हैं, लेकिन सूर्य रेखाएँ आपको बहुत बड़ी नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, ये सूर्य रेखाएँ आफ्टर 45 बन रही हैं, 44 बन रही है, तो इसका फ़ायदा आपको उसी एज में मिलने वाला है। ठीक है, और ऐसा कोई और दोष नहीं है, यहाँ पर खड़ी रेखाएँ तो मौजूद हैं। और अगर बात करें यहाँ पर इनके बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत पर आपको खड़ी रेखाएं ऐसी नज़र आएंगी जो जी इनकम के सोर्सेज में बढ़ोतरी करती हैं। ठीक है, इनकम के सोर्सेज में बढ़ोतरी करती हैं, और ये बुध का पर्वत है, इनका बुध के पर्वत से आपको विवाह रेखा नज़र आ रही होगी। विवाह रेखा बहुत ज़्यादा दूर शिफ्ट है, ठीक है, दूर शिफ्ट है, और ये हम कह सकते हैं कि 28 के बाद की ही विवाह रेखा बन रही है, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत सी अटैचमेंट रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो उसके पहले काफ़ी रिलेशंस और काफ़ी अटैचमेंट पे आप पढ़ेंगे और रिलेशनशिप में भी आप रहेंगे, कंफर्म है। ठीक है, लेकिन विवाह थोड़ा सा लेट है, आफ्टर 27 के आसपास ही विवाह रेखा यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करूँ तो शुक्र पर्वत ठीक है, ये भी थोड़े से आपको दबाव में नज़र आएंगे, लेकिन इसको स्पेस अच्छी मिल रही है, इसको खड़ी रेखाएँ और मौजूद होना ये बताता है कि जीवन में आपको अपनों का सपोर्ट मिलेगा, जो आपके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनको सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। और ऐसे देखो कि यहाँ पर कुछ आपको आड़ी लाइनें भी नज़र आएंगी जो फालतू की चिंताएं आपको वॉरीज दे सकती है, लेकिन कोई भी लाइन जो है जीवन रेखा को टच नहीं कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर शुक्र पर्वत अच्छे हैं तो व्यक्ति जीवन में कह सकते हैं कि ऐशो आराम वाला जो है जीवन जो है यापन करेगा, जो लग्जरियस चीज़ें हैं, जो शुक्र से जुड़ी चीज़ें हैं, उनको भोगेगा, ये तय है। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर बात करें अगर चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत पर थोड़ा सा आपको जो है अंदरूनी चंद्र थोड़े से आपको दबते हुए नज़र आएंगे, तो थोड़ा सा मूड स्विंग होता है। ठीक है, जब चंद्र पर्वत थोड़े से आपको दबते हैं तो कभी कभी मन में जो है नकारात्मक जो इमोशनली व्यक्ति क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी जो है मन उदास होना, मूड स्विंग होना,
चांसेस क्रिएट करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको दबे हुए नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बाकी रेखाओं के बारे में बात करूँ, जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में चल रही है इनकी। जीवन रेखा कुछ आपको ऐसी चलती हुई नज़र आएगी, पहले तो इसने इसका बाहर का मुख है, फिर इसने अंदर का मुख यहाँ पर एक रात किया है। ठीक है, साथ में एक मंगल रेखा आपको जुड़ती हुई नज़र आएगी। अगर हेल्थ इशू कोई अगर प्रॉब्लम आई तो ये मंगल रेखा काफ़ी आपको सपोर्ट देने वाली है। यहाँ पर देखिए इनकी जो है जीवन रेखा टूटती हुई आपको नज़र आएगी, हल्का सा आपको एक कट सा निशान नज़र आएगा। पहले देखिए यहाँ पर जीवन रेखा शुरू हुई है, यहाँ पर आपको एक कट का निशान आपको मौजूद होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और ये जो कट का निशान है कह सकते हैं कि जीवन में हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम देगा, चोट वगैरह लगना, मेजर जो हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती वो आती है। मतलब कह सकते हैं कि चोट लगना, हेल्थ ख़राब होना, मतलब कुल मिला के आपकी सेहत पे पहुँचेगी बात, आपके शरीर पे कष्ट आएगा। ठीक है, और इसकी एज बन रही है कम से कम मान के 28 से 29 की एज यहाँ पर बन रही है, तो इस एज में आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। उसके बाद कोई ऐसी लाइंस नहीं है, यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस रेखाएं उठती हुई नज़र आएंगी। ये जो एज बन रही है कम से कम मान के 36 से 37 की एज बन रही है। उसके बाद कुछ रेखाएं हैं जो बाहर की तरफ जा रही है, चंद्र पर्वत की तरफ आपको मुख होता हुआ नजर आया, तो ये बात तय है कि व्यक्ति फॉरेन ट्रैवलिंग भी करेगा, फॉरेन की तरफ भी उसका रुझान होने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ लंबी है इनकी, क्योंकि इनकी मस्य रेखा और हृदय रेखा से नज़र आ रहा है, कम से कम मान के चलेंगे 74 से 75 ईयर्स जो है लाइफ यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इतनी लाइफ यहाँ पर जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर मैं जीवन रेखा के साथ यहाँ पर कैरी रेखा को देखो, तो कैरी रेखा ही आपको जीवन रेखा चलती हुई नज़र आएगी। तो ऐसे क्या जाता क्या होता है कि भाग्य उदय प्रोग्रेस जो है अपनों के साथ की वजह से होता है, परिवार से स्टार्टिंग से ही जुड़ा होता है ऐसे तक। ऐसा देखा भी गया है कि क्या पता ये भी चीज़ें होती हैं कि परिवार का कोई बिजनेस जो है वही संभालता है आगे चलकर, या फिर अपना बिजनेस करता है लेकिन परिवार का सपोर्ट उसको मिलता है। ठीक है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि भाग्य रेखा चल रही है इनकी, और साथ में चंद्र पर्वत से कुछ रेखाएं आपको भाग्य रेखा से मिलती हुई नज़र आएंगी। तो ये पामिस्ट्री में हम किसी का साथ देखते हैं। ठीक है, वो साथ किसी का भी हो सकता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि वो माता का भी साथ हो सकता है, आपकी पत्नी का भी हो सकता है, किसी दोस्त का भी हो सकता है, किसी का भी साथ जो है जो ऑपोजिट सेक्स होता है उसका साथ देखते हैं हम, उसकी वजह से भाग्य उदय होने के चांसेस रहते हैं। तो किसी का भी साथ आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर भाग्य रेखा चली और यहाँ पर इसने अलग रुख जो है आत्मयात किया है, कुछ ऐसी आपको स्ट्रक्चर बनती हुई नज़र आएगी। और मिड जो है हम कह सकते हैं कि कम से कम 30 के आसपास, 30 और 30 उनके 30 के आसपास जो है काफ़ी बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं 30 और 31 के आसपास। और ये बदलाव स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, ये तय है, क्योंकि जब भी कोई लाइंस जो है वहाँ से कह सकते हैं शाखाएं निकलती हैं या फिर ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आए तो वो परेशानी आपको देंगी, लेकिन वो परेशानी आपके लिए होगी, अच्छे भविष्य के लिए होगी। तो बहुत अच्छा टाइम आपको 31 के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें मेंटली डिस्टर्बेंस, मेंटली प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। देखिए यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल का निर्माण आपको होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर देखिए पहले तो इनकी भाग्य रेखा ये है और एक बुध रेखा आपको चलती हुई, ऐसी कुछ बुध रेखा आपको चलती हुई नज़र आ रही है और इनकी माइल है, तो बुध रेखाएँ टूटी है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर मनी ट्रायंगल खुल गया है, तो खुलने का मतलब कि पैसा तो खूब आएगा, पैसा जो भी चाहेंगे व्यक्ति व्यक्ति कमा लेगा, लेकिन खर्चे भी काफ़ी अधिक होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मनी ट्रायंगल बनने का निर्माण होना ये पैसे को बताता है कि अच्छा खासा पैसा व्यक्ति जोड़ लेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मस्य रेखा की बात करें तो मस्य रेखा स्टार्टिंग से चली है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको आइलैंड की फॉर्मेशंस बनती हुई नज़र आएंगी इसी एज में, जो इनकी एज अभी चल रही है। तो क्या अभी मेंटली प्रेशर, मेंटली इश्यूज आपके रिगार्डिंग चल रहे हैं, कोई डर मन में लगा रहता है और कोई सिर दर्द या कोई आँख से रिलेटेड दिक्कतें या सिर से संबंधित दिक्कतें हैं तो ज़रूर बताएँ, क्योंकि ये ऐसे साइंस यहाँ पर क्रिएट होते हुए नज़र आएंगे और ये साइंस आगे चलकर जो है और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। ये अगर हम देखें तो ये 35 के बाद से सही हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको काफ़ी मेंटली प्रेशर रह सकता है, जगह जगह पर जो है इमोशनली सेटबैक्स मिलें और जगह जगह पर जो है कह सकते हैं दिमागी प्रेशर और दिमागी टेंशनें बनी रहें, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर हृदय रेखा की बात करो तो हृदय रेखा स्टार्टिंग से चली और यहाँ पर इसने 3 रुख अदा किए हैं। पहले तो यहाँ पर इसने 2 लाइनें जो आपको यहाँ पर गुरु पर्वत पर जाती हुई नज़र आएंगी, तो व्यक्ति जहाँ पर जाए उस माहौल के हिसाब से ढल जाता है, ये इनमें गुण पाया जाता है। जब ऐसी चीज़ें हो तो क्या होता है कि जब जहाँ पर व्यक्ति जिस माहौल में जाएगा उस वहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि ऐसे चाहते जहाँ पर रिलीजियस जगह पर जाएँ तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएगी, इससे ज़्यादा रिलीजियस आपको दिखेगा ही नहीं कोई।
जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि आप मान के चले कि बहुत सा एटीट्यूड, बहुत सा चीज़ें उनके साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन त्रिशूल की स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आएगी, तो एक अच्छी सपोर्ट, एक अच्छा कैरियर यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर अगर देखें, अगर हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा में आपको थोड़ी सी डार्कनेस दिखेगी, ठीक है। कहीं कहीं आपको डार्कनेस नज़र आ रही है, हेल्थ लाइन में मुझे नज़र आई थी। तो आपको जो जो अंदरूनी अंग हैं, जो मान लें हम कह सकते हैं कि पेट से नीचे वाले जो अंग हैं, जो कमर से नीचे वाले अंग हैं, उनमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। उनमें दिक्कतें होना, उनसे रिलेटेड कोई बीमारी होना, ये चांसेस क्रिएट करता है। और हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की रिलेटेड परेशानियाँ भी हो सकती हैं। और जो जो क्योंकि इनकी सूर्य रेखा भी यही बता रही थी, सॉरी सूर्य फिंगर भी यही बता रही थी, क्योंकि इसका जो लंबाई थी काफ़ी अधिक थी। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हृदय रेखा में क्या सिनेरियो बन रहा है। हृदय रेखा में बहुत सी रेखाएं आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इमोशनली सेटबैक्स जो हैं काफ़ी मिलने के चांसेस हैं इसी एज में, और आगे चलकर भी कुछ मिलेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि पामिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं, पाम हम इसलिए दिखाते हैं कि आगे वाले फ्यूचर को हम जान सकें। तो आने वाले टाइम में इमोशनली काफ़ी चीज़ें आपके लिए बुरी होने वाली हैं, ठीक है। लोगों का छोड़ के जाना, अचानक से ब्रेकअप हो जाना, धोखा मिलना, या फिर बहुत करीबी का दूर हो जाना अचानक से ही, तो अनबन होना, तो ऐसे चांसेस क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं हृदय रेखा में, ठीक है। और तो इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना। जो भी आप क्वेश्चंस हैं, आपको आशा करता हूँ कवर हुए होंगे, क्योंकि हाथ में पैसे की चीज़ अच्छी है, ठीक है। और फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी मौजूद हैं, लाइफ भी लंबी है। विवाह जो है आसपास जो है 28 और 29 के आसपास जो है दिख रही है। विवाह रेखा मतलब थोड़ी दूर शिफ्ट है, लेकिन स्टार्टिंग में रिलेशंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल हाथ अच्छा है, प्रोग्रेसिव हाथ है, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। जिस प्रोफेशन में आप हैं उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि सूर्य जो फिंगर है आपको ये बता रही है कि आने वाले टाइम में आपको फेम वगैरह अच्छा खासा आपको मिलेगा, ये तय है, ठीक है। अपने कार्य की वजह से, आपकी अच्छाई की वजह से ही फेम आपको मिलने वाला है। तो उसको आप शेयर जरूर करें, ये मेरी वीडियो थी, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने हाथ को पढ़वाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।